असलकम आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग वर्क एंड पेरेंटिंग और उसके लिए हमने भला किस गेस्ट को बुलाया है रीमा ख़ान को क्योंकि मैंने जिस तरह से उनको काम करते हुए देखा है बहुत कम ऐसी खावतीन हैं जो इतना सारा काम करती हूँ सिर्फ ये नहीं कि वो कोई कैंपेन्स ही कर रही हूँ बल्कि किसी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी तकरीब जहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत हो बच्चों के हवाले से बूढ़ों के हवाले से बड़ों के हवाले से शी इज़ ऑलवेज देयर और इतनी रिस्पेक्टफुल और सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसे मुकाम पर पहुँच कर इतनी पोलाइटनेस इतनी हम्बल और इतना ज़्यादा प्यार है सबके लिए इट्स जस्ट इम्पॉसिबल तो चलिए आइए बात करते हैं रीमा खान से रीमा आप इतनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हैं सारी फलाही काम होते हैं उसमें ऑब्वियसली ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिसमें बच्चे होंगे जब आप उन बच्चों के लिए काम करती हैं और आपने इंतहा किया है, मुझे भी पता है ठीक है और सबसे प्यारी चीज़ ये कि आप कभी किसी को मना ही नहीं करती हैं तो मुझे ये बताइए कि बच्चों के लिए फलाही काम करते हुए क्या फील होता है सैटिस्फेक्शन क्या दिल चाहते हैं कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही करनी है आपने आ, बहुत सादा मगर बहुत मुश्किल सवाल सादा इसलिए कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और हर सुनने वाले के भी क्योंकि बच्चे जो हैं ये हमारी नस्ल को लेकर चलते हैं ये हमारा फ्यूचर है तो जो लोग अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो घाटे का सौदा करते हैं तो जब बच्चे अपने हों या किसी के भी हों वो बच्चे होते हैं आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि आप जानवर के बच्चों को भी देखें तो आपको उन पर प्यार आता है तो हम तो इंसान के बच्चों की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं बच्चों के हवाले से चाहे उनकी तालीम के हवाले से हो चाहे उनकी सेहत के हवाले से हो या उनकी तरबियत के हवाले से कहीं पर मुझे कोई भी मौका मिलता है तो मैं उसको हाथ से नहीं जाने देती क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है वो तो जैसी चिड़िया आती है ना अपने हिस्से का एक कतरा डाल के जाती है तो इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैं कम से कम अपने हिस्से का ऐसा काम करके जाऊँ कि जिसका फल मुझे अच्छा याद करने की सूरत में मेरे जाने के बाद दुनिया में भी मिले और मुझे वहाँ पर भी मिले वाह तो मगर आप मुझे ये बताइए कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो कि आपने डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन के साथ काम किया ऐसा कोई वाक़ जिसने इतना आपके दिल को छुआ कि आप परेशान हो गई हूँ या आपने सोचा कि बस अब यही मैंने करना है देखिए आप, आप जब आप तह कर लेते हैं ना अपने दिल में कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए रब तो इतना प्यार करने वाला है वो इतना रहमान है इतना रहीम है कि वो हर अंदाज से अपने बंदों से प्यार करता है कि वो कहता है कि तू कुछ इतनी सी भी गलती कर मगर एक बार नदामत का एक आंसू अपनी आँख में ले आ तो मैं तेरी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बंदा बशर हैं हम फरिश्ते नहीं हैं हमसे गलतियाँ होती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा काम करूँ कि जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए अगर मैं कहीं पर भी देखती हूँ कि कोई भी तकलीफ़ किसी की भी और ख़ास तौर पर जब मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था मेरी आंटी उनको हेपाटाइटिस सी हो गया मैंने उनको जिस कर्ब में मुब्तला देखा शी वॉज़ वेरी यंग और एक डॉक्टर की ग़लती से क्योंकि उसने उनका दांत निकाला और जिस इंस्ट्रूमेंट से उसने दांत निकाला वो इन्फेक्टेड था तो एक जवान खातून एट द एज ऑफ फिफ्टी थ्री शी पास्ट अवे तो फिर मैंने जब उनको बहुत तकलीफ़ में देखा कि वो खून की वॉमिट कर रही हैं उनकी बच्चियाँ बहुत तकलीफ़ में हैं और बिलक बिलक के रो रही हैं तो मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी कितनी अनप्रडिक्टेबल है किसी वक्त कुछ भी हो सकता है एक सेहतमंद खातून एक जरा सी गलती की वजह से कहाँ पर पहुँच गई तो बस उसके बाद वो जो उनकी तकलीफ़ देखी तो कुछ लोग आते हैं हौसला देते हैं ऐसे थोड़ी सी हेल्प की और अपने अपने घरों को चले गए अपने ज़मीर को मतमिन कर लिया लेकिन एक होता है कि जब आप किसी के दुख दर्द में बराबर के शरीक हो जाए वो करने के लिए हौसला चाहिए हिम्मत चाहिए क्योंकि यही फ़र्क है कि इंसान और जानवर में जानवर के सामने किसी भी जानवर को आप मार दें कुछ भी कर लें तो उसको कोई गर्ज़ नहीं होती क्योंकि उसके अंदर वो हिस्स नहीं है ऐसा साथ नहीं है वह दर्दमंद दिल नहीं है ख़ुदा ने इंसान को ऐसे तो शफुलमखलूक़ात का दर्जा नहीं दिया तो इस बिना पर जब मैंने ये महसूस किया तो फिर मुझे लगा कि कैसे मैं इस सिलसिले को जारी रख सकती हूँ तो फिर मुझे जहाँ पर भी किसी जगह पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बुलाती है और मुझे लगता है कि जनवनली ये बहुत दिल से ख़ुलूस के साथ ईमानदारी के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं तो फिर मैं अपने हिस्से का काम थोड़ा सा उसमें डाल देती तो अब आ गया मुश्किल सवाल और वो ये है कि आप इतना काम करती हैं ठीक है ठीके? और कब से कर रही हैं ठीक है नाउ यू गॉट अ फैमिली नाउ यू हैव गॉट इन लॉस नाउ यू गॉट योर पेरेंटल साइड ऑफ द फैमिली आल्सो काम भी है आप अपने काम को मैनेज कैसे करती हैं <laughs> देखिए आप औरत आँ, बहुत ताकतवर है औरत को अल्लाह ताला ने नस्लों की माँ बनाकर भेजा है इतनी पावर दी है अल्लाह ने औरत को अभी औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर चीज़ को बैलेंस कैसे करती है हम एक हील पहन कर चले सादा सी बात करूंगी तो ज़रा सा हमें कुछ अन एक जगह आ जाए तो हम बैलेंस आउट कर जाते हैं और अगर हम वही जगह को देख कर कदम रखें तो हम बैलेंस पर कायम रहते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदगी की ये जो रंग हैं औरत के ये जो अल्लाह ताला ने अल्लाह को कौस कज़ा अल्लाह ने औरत को जो उसकी ज़िंदगी में ये रंग भरे हैं जो बेटी की सूरत में है जो माँ की सूरत में है जो बहन की सूरत में है जो दोस्त की सूरत में है जो बीवी की सूरत में है बहू की सूरत में है कितने सारे रिश्ते हैं टीचर की सूरत में तो ये तमाम अल्लाह ने जो रंग दिए हैं औरत को इनको बैलेंस करके चलना है तो मुझे लगता है कि जो तरबियत मेरी वालदा ने मेरी की मेरे बालद ने मेरी की उससे मैंने बहुत कुछ सीखा वैसे कहा जाता है कि बच्चे की तरबियत तो माँ की शिकम से शुरू हो जाती है जब वो माँ के पेट के अंदर होता है जब उसके दिल की धड़कन अल्लाह ताला तवा करता है तो उसी वक्त से माँ की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है तो फिर मैंने देखा कि जिस तरह से मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत की है आज भी मेरी जरूरत नहीं है कि मेरी अम्मी अबू आ जाएँ तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठी रहूँ चाहे मैं उनके कमरे से उठकर ड्राइंग रूम में आई हूँ और अगर वो ड्राइंग रूम में आए तो मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती हूँ आज भी मैं घर से बाहर जाते वक्त वा, अपने वालदेन को बता कर जाती हूँ अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और अगर मैं अमेरिका में हूँ मेरे शौहर हॉस्पिटल गए हुए या क्लिनिक गए हुए हैं तो मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि सुनिए आज को स्कूल छोड़ दिया मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ इस जगह पर जा रही इतनी देर के लिए जा रही हूँ इतने बजे आ जाऊँगी वो मुझसे पूछते नहीं हैं मैं बताना अपना फ़र्ज़ जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब आप हर रिश्ते को पूरी ज़िम्मेदारी से निभाएंगे तो यकीन करें कि आप कभी भी लाइफ में बैलेंस आउट नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हर 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 आ, काम को हर हर दौर को बैलेंस करना सीख जाए हर्डल्स आती हैं mm -hmm. बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग आपको उठाने के लिए आते हैं मगर कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद अपने आप से हारना मान लें तो हारना नहीं mm -hmm. है अगर कोई सास ने बात कर दी आप हर्ट हो गए आप मियाँ के साथ लड़ना शुरू हो गए तो आपने अपने घर का सुकून खुद पर बात कर दिया मियाँ ने कोई बात कर दी आपने वो गुस्सा औलाद पर निकाल दिया औलाद ने कोई बात कर दी आपने वो गुस्सा नौकरों पर निकाल दिया तो देखिए ये बेसिकली आप हैं बुनियाद औरत है बुनियाद आपने इसको मज़बूत रखना है बहुत सारी हर्डल्स आएंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी मगर आपने अनबैलेंस नहीं होना अपने बैलेंस को मेंटेन रखना ठीक है चलो बैलेंस को तो आपने मेंटेन करना सीख लिया लेकिन आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है ठीक है और पता कां? नहीं हाथ में कोई लकीर ऐसी है जब से पंद्रह सोलह साल की इसे स्टार्ट हुई है और अभी सेलमदुल्लू Continuously जारी है। yeah. अब जब आप ट्रैवल कर रही होती हैं और आप अपने बेटे को पीछे ज़िम्मेदारी किसी की देकर जाती हैं या आप यहाँ से जाती हैं और फ़र्ज़ करें कि आप जो हैं वो यहाँ पे कोई ज़िम्मेदारियाँ है ऐसी हैं जो किसी को सौंप के जाती हैं सो हाउ डू यू कीप अ टैब ऑन दैट मतलब कैसे आपको पता चलता है कि ठीक ही होगा या आप कहती होंगे क्या बट नॉट इम्पॉसिबल मुश्किल लगता है मगर नामुमकिन नहीं है हर चीज़ को बैलेंस करती हूँ सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे के साथ कभी झूठ का रिश्ता नहीं रखा अमूमन मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं कहूँ बेटा मैं दो दिन में आ जाऊँगी और वो दो दिन, दो दिन हफ्ते पर हूँ तो पहला ही झूठ बोल दिया हुँ, हुँ. तो वकती तौर पर उसको हौसला देने के लिए मैं झूठ की बुनियाद नहीं रखती हुँ. तो मेरे बेटे और मेरे बीच में एक सच है और सच की अपनी ताकत होती है तो उसकी तरबियत ही मैंने इस से की है कि मैं अगर कुछ करने जा रही हूँ तो उसको मैं इन्फॉर्म करती हूँ बेटा मैं ये काम करने जा रही हूँ इससे इतने लोगों का फ़ायदा होगा इससे मामा इतनी देर के लिए घर से बाहर रहेंगी इसके बाद मामा वापस आ जाएंगे तो नाउ ही अंडरस्टैंड वो उसको समझ आते हैं और फिर मेरी दोस्त हैं एक उनको हमने स्पॉन्सर कर लिया तो अब माशाल्लाह उनके आने जाने का कोई मसला नहीं है उनकी बहुत मेंटल कंपैटिबिलिटी है बेटे के साथ तो वो साथ होती हैं और फिर मियाँ भी बहुत कॉपरेटिव हैं तो उनको भी मालूम है कि मेरी वाइफ अगर कहीं जा रही है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगी काम मुकम्मल करके फ़ौर घर वापस आ जाएंगे वैसे जो एक बात मैं बताना चाहती हूँ सबको ये कि एक दफ़ा आपका रमज़ान की ट्रांसमिशन थी जी और आपको बीच ट्रांसमिशन में पता चला कि आपको वापस जाना है और मैंने नहीं देखा कोई इतना प्रोफेशनल बंदा कि उसने अपना सारा जो आगे आने वाले दिन के काम थे दिन रात सुबह शाम करके कर करके फट रीमा जो है वो चली गई क्योंकि शी वॉज रिक्वायर्ड टू बी देयर जी बाबा को कोविड हो गया था मेरे वालिद वहाँ पर आए हुए थे तो उनको कोविड हो गया तो उस वजह से तारिक बहुत परेशान थे कि घर में बेटा भी है और आपको पता है कि एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है अमेरिका के अंदर हीटिंग का भी तो वो अब ऐसी सिचुएशन थी कि बाबा को कहाँ रखा जाए उनकी टेक केयर कौन करेगा फिर बच्चा भी घर के अंदर है अम्मी भी हैं तो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी फिर मैंने मैनेजमेंट से बात की कि कुछ दिन रह गए थे तो मैंने कहा मैं इसकी रिकॉर्डिंग करवा देती हूँ और फिर उनका कि लाइव करने के बाद फिर रात को रिकॉर्डिंग और रोज़े भी साथ साथ थे मगर वही कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप हर काम कर सकते कहाँ लिए ये हिम्मत सच्चाई से आप नहीं यकीन आइसवेर मैंने पहले दिन से जब मैं इंडस्ट्री में आई भी थी तभी आप यकीन करें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम दान पान सी छोटी सी पंद्रह सोलह साल की लड़की ये दो तीन साल भी नहीं चलेगी और ये वापस घर चली जाएगी और उस वक्त बहुत कददाबर फ़न के लिहाज से भी और कद के लिहाज से भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी मैंने तब भी एक ही बात की थी कि मैं जब अपने काम को ईमानदारी से करूँगी तो मुझे कोई हरा नहीं सकता पता मेरा मुकदर बनेगी आप येम करें सितारों पर कमन डालने का सोचें कभी जब आप सोचें ए सी बी सी के टाइम में किसी ने तस्वुर तो किया था कि हम हवा में उड़ेंगे हम सितारों पर कमंद डालेंगे हम मुख्त सारों के बारे में जान पड़ताल करेंगे हज़ारों मील दूर बैठ कर विदाउट एनी बाय हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ये देखें इंसान जब तह करता है ना कुछ भी करने का मगर ईमानदारी लाजमी शर्त है उसके साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो कभी मुमकिन ही नहीं कि आप नाकामी का सामना करें सो आई कम बैक टू पेरेंटिंग पार्ट के आपने कहा कि आपने हमेशा सच का साथ दिया आप दोनों में यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ में बैड कॉप एंड गुड कॉप वाली कहानी चलती है बिल्कुल चलती है तो आप कौन है मैं बेटे के हवाले से मैं बैड कॉप हूँ अच्छा गुड कॉप वो कभी भी गुस्सा नहीं करते गुस्सा मुझे भी नहीं आता लेकिन अगर मुझे पता चलेगा कि अज़लान बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो टैबलेट पे लगा रहे हैं और आईपैड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो मुझे होता है कि इसकी आंखों के लिए ठीक नहीं है इसके जहनी सेहत के लिए अच्छा नहीं इसकी फ़िज़िकल फिटनेस हुँ. के लिए ये सही नहीं है तो मैं थोड़ा गुजहारी आवाज़ में बोलूँगी कि अज़लान जस्ट स्टॉप इट बस इनफ तारिक वो भाकर बबू के पास जाएगा भापा मामा इज डांटिंग मी तारी कहेंगे कुछ नहीं कहा बेटा मामा री क्यों कर रही हैं आप क्यों डांट रही मतलब वो ऑलवेज गुड लिस्ट में है गुड बुक्स में अजलान की मगर मैं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अगर कारी साहब की टाइम है टाइम है उनकी क्लास का टाइम है और अजरान ने कहा ममा फीलिंग हेडिक मैंने कहा थोड़ी देर पहले तो तुम्हें हेडेक नहीं थी कारी साहब के फ़ोन से तुम्हें हेडेक हो गई फिर मैंने उसको किस तरह से ग्रूम किया या किस तरह से उसको इस हवाले से उसकी सोच को मच्योर किया कि बेटा जब हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं चाहे वो दस मिनट हो चाहे वो पाँच मिनट हो चाहे पंद्रह मिनट हो तो उससे अल्लाह ताला बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में लेके आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ से चली जाती तो उसको जब कभी कोई चोट लगती थी तो कहते थे मामा ममा अम फाइन अम फाइन तो मैंने कहा देखा बिकॉज आपने कुरान पाक रिसाइट किया था इसलिए एंजल्स ने आपको सेव कर लिया तो फिर वो शौक से पढ़ना शुरू हुआ हम्म तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चे की तरबियत में उसको कैसे मोटिवेट करते हैं उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं मैं एक आपको बात बताऊँ आपका कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी बहनों ने कहा कि आपने बेटे के लिए कोई नैनी क्यों नहीं रखी आप इतना काम करती हैं जो पाँच साल तक तुम अपने बेटे से एक लम्हे के लिए जुदा नहीं हुँ, एक सेकेंड के लिए पहले कुछ अर्सा वो मेरी फीट पर था और उसके बाद फिर मुझे मेरी अम्मी ने कज़न्स ने बहनों ने सब ने कहा कि तुम किसी को रख तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती हाल देखो क्या हो गया तुम्हारा बच्चे को तुम अब इसके लिए नैनी रख लो मुझे फील हुआ कि देखिए एक बच्चा हो या दो बच्चा हो हम एकदम नैनी रख लेते हैं कुछ सोसाइटी के प्रेशर में चाहे हम इतनी जरूरत ना भी हो और कुछ हम अपने आप को बिल्कुल काहिल बना देते हैं हमारी माए जब चार चार पांच पांच बच्चे पालती थी तो वो आ, तो गुंजैन नहीं रखती थी और फिर पांच बच्चों को नहलाना स्कूल के लिए तैयार करना खाना ख़ुद बनाना सर्व करना बर्तन धोने बाबा का ख्याल रखना घर की सफ़ाई का इतनी सारी चीज़ें एक सुपर वुमेन कैसे करती थी तो ये इंस्पिरेशन जब आप आइडियलाइज़ करते हैं ऐसे पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ को तो फिर आपको लगता है कि कुछ मुमकिन नहीं है हर चीज़ मुमकिन है अभी मुझे लगता है कि जब आप बच्चे के साथ अपना एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं ना उसको नज़र आ रहा होता बचपन से कि मेरी माँ रातों को कितनी दफ़ा जाग रही थी जब मेरी तबीयत ख़राब थी मेरी माँ कितनी दफ़ा निवाला खाते खाते रुक गई कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वो बच्चे के साथ सारी ज़िंदगी रहता है तो बड़े होकर फिर वो आपको ओल्ड हाउस नहीं भेजता बड़े होकर वो आपके लिए किसी नर्स का इंतज़ाम नहीं करता वो हर चीज़ की खुद टेक केयर करने की कोशिश करता है तो दिस इज़ अ रेसिप्रोकल सिस्टम कि जो आप बोएंगे तो आप वही आप जो आज आप अपने बच्चों के साथ करेंगे वक्त यही पलट कर आपके पास लेकर आएगा तो जब हम हाँ नैनीज के ऊपर मैं दोबारा आती हूँ कि मजबूरी हो फ़र्ज करो कि सेहत अच्छी ना हो और आपको हेल्प की जरूरत है तो आ, पेरेंट एज अ गुड पेरेंट आपको उस पर भी नज़र रखनी पड़ती होगी क्योंकि बहुत से वाक़ सुनने शकी खुतिन तो नैनी पर ज़्यादा नजर रखती है बच्चे पे कम हो गई हाँ ये बात है अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो मैरिज़ हैं वो ब्रेक हुई इसी वजह से कि कुछ ना कुछ नैनी ने गड़बड़ कर दी या मियाँ ने गड़बड़ कर दी ऐसा भी होता है लेकिन अलहमद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उस तरह की नहीं हूँ मैं बिल्कुल शकी मिजाज नहीं हूँ मुझे लगता है कि जिसने कुछ गलत करना है आपके अहतमाद को तोड़ना है वो साथ की जरूरत नहीं तोड़ देगा उसको नैनी की ज़रूरत नहीं है तो ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखें और अगर आप अपने घर से कोई ग़लती करता है तो आप दूसरे पर क्या शिकवा करेंगे तो घर की बुनियाद दुरुस्त होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए अब मुझे ये बताइए आपके पास माशा अलहमद ला जिंदगी में एक बेटा है और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जैसे आपने जिक्र किया आपकी अपनी वालदा का चार पांच बच्चों के साथ वो हर चीज़ करने को तैयार थी कर रही थी और आपको उन्होंने एक बहुत अच्छी तरबियत आप बड़ी हैं ठीक है आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो पेरेंटिंग सिर्फ माँ बाप नहीं कर रहे बल्कि बड़ी बहन भी कर रही होती है और जो छोटे बहन भाई होते हैं वो उसका कभी फ़ायदा भी उठाते हैं और जो छोटे वाले जो होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा शेर और शैतान होते हैं सो तो अपनों को ऐसा वाक़ बताइए जिसमें आपने बड़ापन का मुजाहरा जब ही कर दिया अब मैं एक्चुअली पंद्रह साल की एज में ही अपनी बहनों की माँ बन गई थी तभी मैं जब 16-17 की भी और अभी तक मेरी वो आदत है मैं सबको बेटा बच्चे के, के बात करती हूँ मेरे कुक अगर 60 साल के तो मैं उसको भी कहती हूँ बेटा क्या बनाया आज अगर घर की हेल्पर हैं वो 40 इयर्स की हैं तो मैं उनको भी उस एज में जब मैं बनाया वह 17 तो मैं यही कहती थी बेटा आज क्या पक पकड़ा तो वो एक मेरी आदत बन गई थी बहनों की तरबियत छोटे बहन भाइयों की खास तौर पर मुझे लगता है कि जो बड़ा घर का होता है माँ बाप के अलावा जो बड़ी बहन हो या भाई हो वो बहुत अहम रोल अदा कर सकता है मैं जब फिल्म्स में आई तो अंगेंस्ट ऑल आउट्स मेरे हम लोग परजियन फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरी फैमिली में से कोई और शोभित से वाबस्ता नहीं है तो मेरे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क था और पूरे खानदान के क्रिटिसिज्म का मुझे सामना करना पड़ा आपको पता है? पठान परजियन जो होते हैं वहाँ पर तो वो कहते हैं इसने तो नाक कटवा दी कहाँ चली गई कैसे इसकी चादर कैसे उतर गई बग़ैर पर्दे के कैसे इसने अपने आप को बेपर्दा कर लिया ये बहुत सारी ऐसी बातें जो अब वक्त के साथ साथ काफ़ी हद तक लोगों के अंदर से तब्दील भी हो गई हैं चेंज भी हो गई सोच में भी तब्दीली आ गई है लेकिन आप सोचें आज से बीस पच्चीस तीस साल पहले तो हम बहुत एक कंजरवेटिव अप्रोच रखते थे हर लिहाज से उस वक्त में और अब जिसकी बहनें इतनी खूबसूरत हों मेरी आज तक मेरे करियर में कभी मेरी बहनें मेरे पेरेंट्स मैंने कभी किसी जगह पर उनको मैं लेकर नहीं आई उनको कभी किसी ने नहीं, नहीं देखा इतनी हसीन बहनों को छुपाना और फिर उनकी तरबियत करना क्योंकि अगर खुदा ना खास था वो कुछ भी गलत करती तो माँ बाप समेत पूरे ख़ानदान ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया इसकी वजह से आज ये ये कर रही है इसकी वजह से इनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे इसकी वजह से तो वो जो उंगली मेरी तरफ उठनी थी तो मैंने कहा कि अब शोब में आ गई हैं तो उंगलियाँ तो उठा दी हैं मैं क्या करती थी कि मेरी शूटिंग्स के हवाले से जो मीटिंग्स होती थी, थी फिल्म के हवाले से मैं कभी भी उनको घर में नहीं करती थी hmm. मैंने अपने काम को गेट से बाहर रखा मैं सर्दी हो गर्मी हो मैं दूर सफ़र करके चली जाती थी मगर मैं वो वक्ति कंफर्ट नहीं देखती थी मैं किसी भी आउटसाइडर को घर के गेट क्रॉस नहीं करने देती थी मैं घर के अंदर नहीं बुलाती थी फिर घर के अंदर मैं जब नमाज़ की पाबंदी करती थी तो फिर मैं बहनों को भी ये कहती थी खाना मैं हाथ से खाती थी तो मैं उनको भी ये कहती थी फिर मैं एक बात कहती थी कि देखिए मैं बचपन में कॉन्वेंट में पढ़ी हुई थी तो उनको भी मैंने कहा कि देखो हमारे स्कूल में कभी इजाज़त नहीं थी प्लकिंग करवाने की बाल खोलने की इजाज़त नहीं थी ब्लीच वगैरह करने की इजाज़त नेल्स बढ़ाने की इजाज़त नहीं थी तो तुम लोग भी अब सारी के सी आइट थी कि नेट कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की तो मैंने एक बात की और एक बहन ने तो माशा ऑक्सफोड में भी जाकर इतने माशा इतने अच्छे ग्रेड्स लिए <laughs> कि शी वॉज द यंगेस्ट आ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन बास बैंक तो मुझे उसने मेरा सर फ़खर से बुलंद किया तो कहने का मकसद कि वो तरबीत जो मैंने उनकी की कि बेटा कभी भी कुछ भी चाहिए मुझसे दोस्तों की तरह आकर मुझसे बात कर लेना लेकिन कभी मेरी आंख को खास तौर पे अम्मी अबू के सामने झुकने मत देना मेरे इस जुमले में बहुत बड़ा मैसेज था जो मैंने उनको दे दिया और मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह के कितने सजदे करूँ कितनी प्यारी बहने कि उन्होंने ऐसी लाज रखी मेरे उस एक जुमले की आज माशाल्लाह तीनों अपने अपने घरों में ब्याही हुई हैं ससुराल वालों की तरफ से जो तारीफ आती है तो वो मेरी नहीं वो उनकी तारीफ है उन्होंने उस मेरे मान को कायम रखा और फिर Uh, मुझे याद है कि uh, एफ के पेपर्स के बीच में मेरी बहन ने कहा क्योंकि हम पठाना तो हमारी आईब्रोज बहुत मोटी होती हैं जब तक तो प्लकिंग ना करें शुक्र है वो किसी ने वैसे पिक्चर्स <laughs> नहीं देखी तो बहुत मोटी मोटी आईब्रोज तो सब बहनों की ऐसी थी बिल्कुल जिन वाली आईब्रोज जैसे होती तो आप, आप आप बार देखें अब सेकेंड ईयर में आ गए मैं तो अब तो प्लक करने की इजाज़त दे दें सब लड़कियों ने तो मैट्रिक के बाद कर ली थी मोबाइल फ़ोन नहीं है हमारे पास आप यकीन करें मेरी उस वक्त की सख्ती जो मुझे कभी कभी अफसोस भी होता था लेकिन वो उनके करेक्टर को बहुत स्ट्रांग करके कि जब मैंने कहा कि हम लोग पढ़ते थे हमारे पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो क्या हम पढ़ नहीं सकते थे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे तो बस बहनों ने फिर मेरा मान रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है तो बस कहना ये चाहूंगी कि बड़े बहन भाई अपने करेक्टर के जरिए डांट कर नहीं अपने अमल से अपने छोटे बहन भाइयों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है अब एक एक चीज़ मेरे जहन में कुल बुला रही है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जितना भी आप टाइम अपने जिस भी रिश्ते को दे रही हैं ओबियसली uh, हमारे इस सब्जेक्ट के हवाले से कि आपका uh, जो टाइम है ठीक है वो बहुत सारे uh, हिस्सों में डिवाइडेड है काम के हिसाब से रिश्तों के हिसाब से आ, जो आपने इतने सारे रिश्ते माशाल्लाह गिनवाए लेकिन थोड़ा सा भी टाइम जो मिलता है आ, वो आपके ख्याल में क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए या आप महसूस करती हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा लंबा टाइम देना चाहिए यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से देखिए जब भी आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो इफ़ेक्ट करेगा क्वांटिटी शुरू में तो बहुत अच्छी लगती है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैंने हमेशा क्वांटिटी को क्वालिटी पर प्रेफर किया जिसके पास ज़्यादा फिल्में होंगी वो ज़्यादा हिट है वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं फिर मुझे पता चला कि नहीं क्वान्टिट्टी नहीं क्वालिटी इट मैटर्स अलाउट तो फिर मैंने हर जगह पर कोशिश की कि, कि मैं क्वालिटी वर्क को क्वालिटी टाइम को क्वालिटी के रिश्तों को अहमियत दूँ hmm. अब आप हैरान होंगे कि क्वालिटी के रिश्ते देखिए ये है सोबत मेरा वो जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत प्रेशियस है क्योंकि वक्त गुजर रहा है वक्त को आप रोक नहीं सकते sure. कई दफ़ा ऐसा होता है कि शायद आप गुजर रहे हैं वक्त अपनी जगह खड़े इन बोथ वेज आपने अपने उस टाइम को अवेल कैसे करना है वी कान डू एनी थिंग इन द पास्ट दैट हैज़ गॉन वी कैन नॉट प्रडिक्टनी थिंग अबाउट फ्यूचर हमें कुछ नहीं मालूम सो वी आर लिविंग इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन तो आपका ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट hmm. बहुत ख़ास है मैं उस टाइम को इस तरह से करती हूँ कि खुद से भी प्यार करूँ मुझे अपने जिम जाना है मुझे अपनी नींद पाँच से छः सात घंटे की पूरी करनी है मुझे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है मुझे कोई चीज़ बहुत स्ट्रेस में मुबला कर रही है तो मैंने उससे कैसे अपने आप को बाहर निकालना है किस चीज़ को करने से मैं अपने आप को बेहतर महसूस करूँगी तो दूसरों के लिए आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप ख़ुद हेल्दी होंगे जब आप खुद सेहतमंद होंगे तो अपनी सेहत का ख्याल रखना यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मैं बाकी रिश्तों के साथ खुद को भी टाइम देती हूँ चाहे वो मेरी ज़ात हो मेरी खुद की तरबियत हो मेरी स्किन के हवाले से हो मेरे बालों के हवाले से हो मेरी तालीम के शौक के हवाले से हो मेरा दुनिया को एक्सप्लोर करने के हवाले से हो मैं ख़ुद को टाइम देती हूँ क्या आप चाहेंगी कि आपका बेटा अभी तो छोटा है उसने डिस्कस किया कभी कि वो क्या बड़े होकर बनना चाहता है <laughs> वो अभी उसके देखें बच्चे को कभी भी आप प्रेशराइज़ मत करें किसी चीज़ के हवाले से ये कैसा प्यारा सा पौधा होता है जिसको पनपने दें उसको खिलने दें उसकी तरबियत इतनी अच्छी करें कि बड़े होकर उसको पता चले कि वट इज़ राइट वाट इज़ रॉन्ग तो जब वो जिस भी सही रास्ते का इंतखब करेगा उसमें वो जो भी बनना चाहे वो एक्टर बनना चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे वो बिजनेस बनना चाहे वो जर्नलिस्ट बनना चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहे वो कुछ भी बनना चाहे मगर उसको पता हो कि मैंने सही रास्ते पर चलना है हुँ. बनते तो बहुत सारे लोग हैं मगर बीच में से रास्ता कुछ गलत हो जाता है तो गलत रास्ते पर नहीं चलना बस ये तरबियत करूंगी बाकी चॉइस उसकी अपनी है आपको अगर महसूस हो कि गड़बड़ हो रही है तो हाउ वुड यू एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू him. या आप मतलब आपने बताया कि फ्रेंडशिप होती है माँ बाप के दौरान दरमियान और आप तो बैड कॉप हैं अब आप, आप किसे समझाएंगी? देखिए मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के वात से कि आप बच्चों को लेक्चर्स मत दें आप किसी को भी लेक्चर्स मत दें क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते लाइफ इतनी फास्ट हो गई है और ये जो टेलीफोन हमारे हाथ में ना ये शैतान हमारे हाथ में आ गया है उसके अंदर दुनिया की हर चीज़ है हर तरह की इंटरटेनमेंट भी है हर तरह का नॉलेज भी है वो अच्छी चीज़ के हवाले से हो वो बुरी चीज़ के हवाले से हो ये बाप की अपनी तरबियत है कि आपने किस तरह का नॉलेज हासिल करना है आपने कैसी चीज़ को देखना है तो मैं कभी भी अपने बच्चे को लेक्चर नहीं दूंगी मैं प्रैक्टिकली बिकॉज प्रैक्टिकलिटी हैज़ टॉट मी अलॉट मुझे मेरे प्रैक्टिकल लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है hmm. मैं किसी बहुत बड़ी तरबियत गाह में नहीं गई मुझे लगता है कि हर शख्स से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं तो मैं अपने करेक्टर से अपने अमल से अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी अगर मुझे कभी लगा खुदा नखास्ता कि वो कुछ ट्रैक से हट कर कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो भी मैं लेक्चर नहीं दूँगी तो भी मैं उसको डांटूँगी नहीं क्योंकि वो फिर उनकी तरफ रागिब होगा जो बुराई में उसको अपनी तरफ और अच्छे तरीके से कहेंगे नहीं 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 ममा ने डांटा छोड़ो मम्मा को चलो ये करें। चलो हम ये करते हैं उसको वो एक रिलीफ मिलेगा अपने बच्चों को जैसे मैंने अपनी बहनों को अपना दोस्त बनाया जैसे मैं अपनी वालदा की दोस्त बनी जैसे मेरी वालदा ने मुझे बनाया तो अपने रिश्तों को अपना दोस्त बनाए उनको एक कम्फ़र्ट जोन दें उनको डरा कर ऐसे मत करें कि वो उस डर के बिना पर गलत लोगों की सोबत में चले जाए ख़ास पे दोस्त कैसे हैं ये ज़रूर आप नज़र रखें ये बहुत इम्पॉटेंट है मेरी तरबियत में जहाँ मेरे माँ बाप का हाथ है वहाँ मेरी अच्छी कंपनी का बहुत हाथ है उसका फ़ायदा ये है कि मैं कभी भी किसी के लिए पुलिंग नहीं करती मैं जब अच्छी बात सुनती हूँ तो मैं सोचती थी ये ऐसे हैं मैं ऐसे कब बनूँगी तो वैसा बनने के लिए वैसा अमल चाहिए तो वैसा अमल जब आप ज़िंदगी में करेंगे तो फिर आप वैसे नहीं तो उन जैसे कुछ ना कुछ बन जाते हैं हर चीज़ में से एक पॉजिटिविटी और एक अच्छाई लें प्यारा सा एक मैसेज दे दें पेरेंट्स को जो कि यंगर जनरेशन के, के हवाले से टेक्नोलॉजी कितनी मुश्किल और किस जिस तरह आपने बताया कि अच्छा भी है बुरा भी है लेकिन कहाँ पर वो कोई बहुत प्यारी सी कोई बात बता दें देखिए मैं तमाम वालदे से यही कहूँगी कि आप अपना टेम्परामेंट जो है उस पर कंट्रोल कर ले आपने कहीं पर भी गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना किसी रिश्ते के साथ भी एक लंबा रिश्ता निभाने के लिए एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए आपका पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है साबिर होना बहुत जरूरी यू डोंट लूज़ योर पेशेंस अगर आपने जहाँ पर सब्र को छोड़ दिया सब्र का दामन छोड़ दिया वहीं ज़िंदगी में आप अनबैलेंस हो जाएंगे तो इसलिए मैं वालदे से यही कहूँगी कि बहुत सब्र के साथ बहुत हौसले के साथ बहुत कनात के साथ हर रिश्ते को लेकर चलें चाहे वो उनका आपस का हो मियाँ बेबी का चाहे बच्चों के साथ हो चाहे आपके रिश्तेदारों दोस्तों के साथ या इवन आपके हेल्पर्स के साथ हो आपने इस सब्र के साथ बहुत पेशेंस के साथ आपने इस चीज़ को लेकर चलना है तो यकीन करें कि जितनी भी जिंदगी है आपकी बहुत खूबसूरत होगी थैंक यू सो मच रिमा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे कुछ कहने का मौका दिया क्योंकि आपसे हमने बहुत तरबियत हासिल की है चाहे वो मेकअप के हवाले से हो चाहे वो धीमे अंदाज़ से बात करने के हवाले से हो चाहे वो किसी दूसरे की मदद करते वक्त खामोशी से इस हाथ से करके इस हाथ को छुपा देने के हवाले से हो तो बहुत कुछ आपसे भी सीखा है तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा विशेष देती हूँ कि इसी तरह से आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोगों की तरबियत करते रहें